अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। रबिशाली सदरी व असली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रबी ज़िदनी इल्मा, रबी ज़िदनी इल्मा, रबी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? हुर्फ की मुख्तसर शक्लें, जो कि कौन से हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप। बे की शक्ल, पे की शक्ल, ते की शक्ल, टे की शक्ल और से की शक्ल कैसे रहेंगी। जैसा बे के ख़ानदान में पांच हरफ हैं, यानी बे जैसा दिखाई दे रहा है उसकी तरह ही दिखाई देने वाले, और चार हरफ हैं, इसको मिलाकर ये कितने हरफ हैं? पांच हरफ हैं। तो बे के जैसे दिखाई देने वाले ये तमाम हरफ हैं, तो हम इसको कैसा पहचानना? नुक्तों से पहचानना। बे के नीचे एक नुक्ता है, एक डाले। पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, तो ये तीन डालना है यहाँ पर, ठीक है। ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो नुक्ते, यहाँ पर दो नुक्ते। टे के ऊपर छोटा तो है, और यहाँ पर छोटा तो है, छोटा तो है, छोटा तो है डाला जाएगा। और यहाँ पर से के ऊपर तीन नुक्ते हैं, तो यहाँ पर, यहाँ पर तीन नुक्ते, यहाँ पर तीन नुक्ते, यहाँ पर तीन नुक्ते, यहाँ पर तीन नुक्ते डाले जाएंगे। तो इस तरह से इन तमाम हरफों की शक्लें कैसी हैं? इस तरह से जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इस तरह से रहेंगी। गोल वाली एक शक्ल रहेंगी, स्लैंडिंग वाली एक शक्ल रहेंगी, हाफ एक शक्ल रहेंगी, और एक क्या है, क्रॉस शक्ल रहेंगी। जैसे कि बे से बनेगा बे अलिफ गैन बाग, ऐसे वाले बे से बहार, ऐसे वाले बे से बरसात, ऐसे वाले बे से बे ई बी जी मलिफ नून जान बी जान। और यहाँ पर देखें जीम चीम है खै। जीम के ख़ानदान में कितने हुर्फ दिख रहे हैं आपको? चार हुर्फ है ना। तो देखिए बच्चों, थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीम जब हम उसको अदा करते हैं, तो जीम के नीचे का नुक्ते को गौर नहीं करते, थोड़े बच्चे ऊपर डालते हैं। जबकि नुक्ता कहाँ पर आना बच्चों? इस तरह से आना। जीम, जीम की ऐसी एक शक्ल है, ऐसी एक शक्ल है। जीम की ऐसी एक शक्ल है, ऐसी एक शक्ल है। जैसे कि ऐसे वाली शक्ल से हम क्या बना रहे? जाना। ऐसी वाली शक्ल से जमा। जीम से देखिए चमचा, और ऐसी वाली शक्ल से चांद, जो कि ये रेड लाइन से मैं जो डाली हूँ उस पर आप गौर करिए। तो ये रहे जीम की शक्ल, चीम की शक्ल, और जीम चीम है खै सेम एक जैसे है ना। तो इनकी शक्लें भी है की शक्ल एक ऐसी रहेगी और एक है ना ऐसी रहेगी। सिर्फ इसमें क्या रहेगा? नुक्तों की, नुक्तों का फ़र्क रहेगा। अगर नुक्ता है तो एक नुक्ता है तो हम एक नुक्ता डालें। चीम को तीन नुक्ते हैं तो तीन नुक्ते डालें। है को कोई नुक्ता नहीं है, इसीलिए है को कोई नुक्ता नहीं डालना है। खै को एक नुक्ता रहता, इस तरह खै को एक नुक्ता डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखे थे दाल डाल जाल रे अड़े जे जे, यानी ये इन तमाम हरफों की कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है, इनके कोई जुज़ नहीं है। अलीफ भी उसमें शामिल है और वह भी उसमें शामिल है, यह आप याद रखिए। सीन की शक्ल इस तरह से है, यानी तीन शोशे रहे तो समझ जाना कि ये सीन है, और सीन इस तरह से भी आएगा, ठीक है ना। सीन शीन, सीन और शीन एक जैसे है ना, तो इनकी शक्लें भी किस तरह से रहेंगी? एक जैसी रहेंगी। स्वाद जुआत एक जैसे हैं, तो स्वाद जुआत की शक्लें भी एक जैसी रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए सारस, सर, सिसकी, साबुन, ज़ईफ। और यहाँ पर देखिए तोए जोए, तोए तोए की तरह ही रहेगा, जोए जोए की तरह ही रहेगा। और यहाँ पर आप गौर करेंगे बच्चों, ऐन इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। देखिए यहाँ पर ये भी ऐनिच है और ये भी ऐन है, ये भी ऐन है, ये भी आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर लीजिए। गैन भी कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। सिर्फ इसमें क्या चीज़ की कमी नज़र आई महसूस कर रहे हैं आप? सिर्फ नुक्तों को गौर करना यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को सिर्फ नुक्तों से गौर करना, हुर्फ की मुख्तसर शक्ल यानी हुर्फ की आधी शक्ल। अब तक आप है ना हुर्फ तहजी देखे थे, है ना। तो अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए तोए जोए, देखे ना तोता, ज़रूफ, आदत, बाद। यहाँ पर देखिए ऐन की शक्ल, ये भी ऐन ही है, ये भी ऐन है। आदत, बाद, शमा। फे की शक्ल देखिए, फे, फे का एक नुक्ता रहता, उसको एक छोटी सी ऐस रहती है ना। फरियाद, मफरूर, माफ़ी, ये फे दिख रहा आपको इस तरह से। जैसे कि काफ़ की शक्ल देखिए, करम, काम, ये भी काफ़ की शक्ल है, दिख रहा आपको
काफ की शक्ल और लाम की शक्ल तो इसी तरह से रहेंगी और है ना अलिफ नहीं है, ये लाम है, ठीक है ना। अलिफ को इस तरह से यूँ तो नहीं आएगा ना, ऐसा यूँ इस तरह से यूँ तो नहीं आएगा ना, तो ये क्या होगा, ये लाम है। मीम की शक्लें है ना, वाव की तो कोई शक्ल नहीं है। नून की शक्ल, नल, नहर, मोर, मैं, मेहनत है ना। हे की शक्ल देखिए, हे की शक्ल इस तरह से है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। जैसे कि ऐसे वाले है से आप देखेंगे हाथी, बहार, बस्ता, ये वाला है देखिए यहाँ पर है। ये गोल वाले है की शक्लें कितनी हैं, तीन शक्लें हैं, जिससे हाथी बना, बहार बना, बस्ता बना, देख रहे हैं आप। और दो चश्मे हैं से हाथ, हमजाई से कमाई है ना, ई और ये से क्या बना, अलिफ, ये काफ, एक, ये के नीचे दो नुक्ते हैं, कभी ई की आवाज़ आती, कभी ये की आवाज़ आती। इन दोनों का जूस कैसा है, एक ही है, जिसके ऊपर, जिसके नीचे दो नुक्ते हैं। जैसे ते के ऊपर दो नुक्ते रहते हैं, उसी तरह से ये के नीचे और ई के नीचे दो नुक्ते रहते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी। तो आप ये हर्फ के जूस को समझिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।